नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की खास खबरों में आज पिथौरागढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाथ में उत्तराखंड सरकार की रोजगार परक योजना देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीपी भट्ट द्वारा महाविद्यालय परिसर में इस योजना के संचालन के लिए नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर ललित चंद ने भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद गुजरात के तत्वावधान में बीते 5 से 10 दिसंबर तक 6 दिवसीय फैकल्टी मेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। डॉक्टर ललित चंद ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में उद्यमिता की दिशा में बेहतर क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने, आम जनमानस को रोजगारोन्मुख बनाने और समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने को लेकर महाविद्यालय परिसर में देवभूमि उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डीपी भट्ट ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस योजना को अत्यंत उपयोगी एवं प्रासंगिक बताया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट बड़ोली गांव निवासी सेना में सूबेदार के पद पर तैनात पूर्वादत्त भट्ट व नंदा देवी के पुत्र दीपक भट्ट के सेना में अधिकारी बनने पर गांव क्षेत्र में खुशी का माहौल है। दीपक के सेना में अधिकारी बनने पर ग्रामीणों सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। शुभकामनाएं देने वालों में धर्मानंद भट्ट, पूर्वादत्त भट्ट, गोपाल भट्ट, हरीश भट्ट, सुभाष भट्ट सहित दर्जनों लोग शामिल हैं। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवा कल्याण एवं प्रांतिक रक्षक दल विभाग के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के तीसरे दिवस की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी वीरेंद्र रावत द्वारा किया गया। गुरुवार को आयोजित हुई 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की कबड्डी में बेरीनाथ प्रथम, बीण द्वितीय और डीडीहाट तृतीय तथा खो खो में बेरीनाथ प्रथम, बीण द्वितीय, डीडीहाट तृतीय स्थान पर रहे। वॉलीबॉल में मुनाकोट विजेता रही। बैडमिंटन एकल में खगेश सिंह प्रिंस दसोनी, करण सिंह प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान और डबल में दिव्यांश हर्षित चंद प्रथम स्थान पर रहे। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी डीएन द्विवेदी, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप मेहरा, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी दीपक भट्ट, गंगा आर्या, हेमा पांडे, कुलदीप, जिला खेल समन्वयक विक्रम अधिकारी गंभीर बोरा, दिनेश पाटनी, उपेंद्र चौहान, अशोक ठगुराठी, खड़क सिंह, सुशीला कापड़ी, राजेंद्र अधिकारी, सतीश पंत, धीरज जोशी, रघु जोशी, संतोष, सुरेश असवाल, दीपा जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलई में आयोजित कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए सभी से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर ग्राम प्रधान पूजा देवी, कुंडल सिंह, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सुशीला देवी, अशोक भट्ट सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहां आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें या चले आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सीएपी योजना में नशा मुक्ति अभियान के तहत 2 दिवसीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 14वीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट प्रदीप गुलेरिया द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि अध्ययन के साथ साथ खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों के प्रतिभा करने से उनका सर्वांगीण विकास होता है। प्रधानाचार्य हरीशनाथ ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और पहले दिन प्रतियोगिता के 800 मीटर बालिका वर्ग में हंसा और बालक वर्ग में धीरज ने बाजी मारी। 100 मीटर बालिका में गीता कुरंगा, भावेश पाठक ने बाजी मारी। इस अवसर पर आईटीबीपी के राकेश कुमार, महेश जोशी, गंगा सुखपाल सिंह, रामचंद्र और विद्यालय के गजराज पांगती, हेम लोहनी, प्रवीण राणा, गज कुमार, सुनील पांडे, नवीन कुमार, आशीष प्रकाश, कैलाश कोरंगा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन हिम रिंगवाल द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ में आज गुरुवार को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष
भावनानगर ओटी के नेतृत्व में दौला क्षेत्र की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर पानी के बिलों में की गई वृद्धि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र बिलों में सुधार किए जाने की मांग की। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष भावनानगर कोटी सहित महिलाओं ने बिल बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न करने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस मौके पर महिला जिला भावनानगर कुटी ने कहा कि विभाग द्वारा लगभग 50% बिल की बढ़ोतरी कर दी है। 850 का जो बिल आता था वो आज बढ़ाकर 1275 कर दिया है, जबकि पानी की सप्लाई महीने में 15 दिन दी जाती है। 15 दिन पानी पर एक महीने का बिल वसूल रही है सरकार। इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे यहाँ पर पिथौरागढ़ के धारचूला में वन विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने एक आरोपी को 14 किलोग्राम अवैध हत्ताजड़ी व 2 क्विंटल कुटकी के साथ गिरफ्तार कर प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया। पुलिस मीडिया सेल पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश अनुसार अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत वन क्षेत्र अधिकारी धारचूला दिनेश जोशी और प्रभारी अनुच्छेद कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कटकोला पुल पर चेकिंग के दौरान तवाघाट की ओर से आ रही एक बोलेरो कैंपर वाहन को रोककर चेक किया गया, तो उसमें आरोपी हरी सिंह रौंकली निवासी ग्राम रौंकोंग थाना धारचूला उम्र 39 वर्ष द्वारा बिना कागजात के अवैध जड़ी बूटी परिवहन की जा रही थी। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से कुल 14 किलोग्राम पंजा जड़ी हत्ता जड़ी तथा लगभग 2 क्विंटल कुटकी बरामद हुई। संयुक्त टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद सामग्री की कीमत लगभग 10 लाख रुपया की गई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मेघा शर्मा, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल खीम सिंह, कांस्टेबल गौरव फुलेरा, वन विभाग टीम, वन दरोगा नरेंद्र राम, वन आरक्षी नंदावल्लभ जोशी शामिल। सुबह चेकिंग के दौरान एक वाहन में एक व्यक्ति के सामान में हमें 15 किलोग्राम की जो है इलीगल एक हर्ब प्राप्त हुई है, जिसको हथकड़ी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी है और इसमें अभी को गिरफ्तार किया गया है और इसकी रिकवरी की गई है। इसमें एफ आई आर पंजीकृत की जा रही है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट की टीम है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी के साथ इस व्यक्ति के विरुद्ध एफ आई आर पंजीकृत करते हुए हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहां से लेकर आ रहा था और ये कहां किस मार्केट को सप्लाई करने जा रहा था। रिलायंस ज्वेलर्स डकैती मामले में बिहार से गिरफ्तार 2 लाख के इनामी मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को दून पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस बिहार वैशाली से गिरफ्तार रिलायंस ज्वेलरी लूट प्रकरण में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को दून पुलिस द्वारा आज वैशाली कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय से आरोपी का ट्रांजिट रिमांड दून पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है, जहाँ उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जनपद देहरादून की यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार को लेकर एक नई पहल की शुरुआत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह द्वारा मुंबई की एक कंपनी से अनुबंध किया गया है। अनुबंध के तहत कंपनी द्वारा नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों चक्राता रोड, शिमला बाईपास, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास, राजपुर रोड, ईसी रोड आदि क्षेत्रों में हाईटेक ड्रोनों की सहायता से लगातार निगरानी की जाएगी तथा इन स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने, नो पार्किंग में खड़े वाहनों अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्राओं, जुलूसों की नियमित मॉनिटरिंग भी ड्रोन की सहायता से की जाएगी। शुरुआत में पुलिस कार्यालय देहरादून तथा ISPT स्थित कंट्रोल रूम से 2 ड्रोनों का संचालन किया जाएगा। नई पहल के बारे में जानकारी देते हुए SSP अजय सिंह ने बताया कि व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की जाए, लगातार ट्रैफिक पुलिस इसमें वर्क कर रही है और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से निर्देश थे इसमें, और इसके बाद लगातार इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियां थी उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराया और आज का विधिवत जो है टाटा आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, उनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा।
अभी हमने हमारा जो शहर के जोन को हमने डिवाइड किया मॉनिटरिंग के लिए, जो प्रातः 8 बजे से शुरू होकर रात्रि 7-8 बजे तक ये 12 आवर्स के लिए रखा गया है, जिसमें हमारा जो यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं SSP ऑफिस से, तो यहाँ से एक कंट्रोल रूम रहेगा हमारा, जो हमारा दिलाराम तक कवर करेगा, बिंदाल तक कवर करेगा चपराता रोड पर, इधर हमारा जोगी वाला चौकी जो हरिद्वार साइड में उधर करेगा, और लालपुर तक हमारा पटेल नगर तक करेगा। दूसरी यूनिट हमारी पटेल नगर क्षेत्र में रहेगी, जो थाने पर वहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है, जो हमारा बसंत विहार का क्षेत्र, हमारा GMS रोड है, बाईपास रोड है, SBT है, उसको कवर करेगा। इसमें से 3 चीज का फोकस हमारा रखा गया है, जो नो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जिसके कारण यातायात बाधित होता है, तो उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उनका अगर नंबर उसमें मिल जाता है तो उसको फोन करके हटाने के लिए बताया जाएगा, नहीं तो उसका नो पार्किंग का चलान ऑटोमेटिक यहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात बाधित करने में जो भी गाड़ियां ऐसी होंगी उनका चलान यहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है उसमें है कि जो जिस तरह से अस्थायी अतिक्रमण हो गया, जैसे भी आपने डेमो में भी देखा कि कोई ठेली खड़ी हो जाती है जिससे यातायात बाधित होता है, तत्काल जो भी उस जगह को स्पॉट करने के बाद जो हमारे चीता मोबाइल या हॉक मोबाइल या ट्रैफिक पुलिस या जो भी नियरेस्ट वहाँ पर होंगे उनको वहाँ भेजकर उस चीज़ को व्यवस्थित कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो धार्मिक जुलूस प्रदर्शन और बहुत सारे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं जिसमें बड़े बड़े जुलूस होते हैं जिसका यातायात दबाव होता है, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसमें कोई अराजक तत्व कोई ऐसी बात न करे उसकी रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग, साथ ही साथ उस धार्मिक जुलूस या अन्य प्रोसेशन के कारण अगर आसपास के जो क्षेत्रों में दबाव बनता है उसकी मॉनिटरिंग अगर यहाँ से हो जाएगी तो समय रहते हम उसको डाइवर्जन का प्लान या अन्य चीज़ों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। चूंकि ये आज इसका विधिवत स्टार्टिंग हुई है और इसमें हम डेडिकेटेड एक टीम लगा रहे हैं जो हमारी दोनों जगह पर हमारे ट्रैफिक और सिविल पुलिस की रहेगी जो कंट्रोल रूम के माध्यम से हैंड। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।